हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में सबसे मेन पॉइंट यही है कि वो एक्चुअल में क्या करता है, फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करता है, और जो उसने करंट में सेंस किया उसी के बेस पे उसने क्या लेना है, कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो लेना और फिर एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की, है ये भी रिफ्लेक्स एजेंट लेकिन यहाँ पे हम यूज करते हैं मॉडल बेस्ड। मॉडल का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉलेज बेस। और ये नॉलेज बेस बनता कैसे है, ये बनता है हिस्ट्री से, मतलब जो उसने परसीव किया एनवायरनमेंट से पूरी पास्ट में, उसको उसने एज ए नॉलेज बेस रख लिया, जैसे ह्यूमन ब्रेन करता है। हमारे माइंड में भी हमने जो चीज हमने पास्ट में सीखी है उस सारे को हम नॉलेज बेस बना के रखते हैं, उसी नॉलेज बेस को हम बोल रहे हैं मॉडल। और उसी के बेसिस पे मतलब इसको ये यूज करता है डिसीजन लेने में। लेकिन सिंपल रिफ्लेक्स क्या करता है, जो उसको दिखा उसी के बेस पे उसने इफ एल्स कंडीशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसने काम कर दिया। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो ये तीन पॉइंट्स यहां पे नए हैं एज कंपेयर टू द सिंपल रिफ्लेक्स। वही एनवायरनमेंट से पहले यहां पे परसीव करेगा, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है कौन सा है, सिंपल रिफ्लेक्स में ये एनवायरनमेंट था फुली ऑब्जर्वेबल। फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है कि एजेंट को एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज होती है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, सब पता है। लेकिन पार्शली, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्शली ऑब्जर्वेबल। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा पार्शली ऑब्जर्वेबल में काम करता है। तो पार्शली ऑब्जर्वेबल का मतलब है जहां पे एजेंट को एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज नहीं होती। जैसे कि अगर हम एजेंट की बात करें, लेट से कि एक एजेंट है सेल्फ ड्राइविंग कार, तो सेल्फ ड्राइविंग कार जब रोड पे चलती है उसको अपने बारे में पता है कि एनवायरनमेंट में, अपना एनवायरनमेंट उसको पता है कि कौन कौन से सेंसर लगे हैं, हाई लेवल सेंसर्स हो सकते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हो सकते हैं, बहुत है हाई लेवल के, ब्रेक्स का पता है, एक्सेलरेशन का पता है, लेकिन एट प्रेजेंट रोड के ऊपर कितनी कार्स हैं ये पता है? नहीं पता। रोड के ऊपर अगर उसके आगे कोई चल रहा है कब वो ब्रेक दबा दे ये उसको पता है? नहीं पता। मतलब पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, कुछ पॉइंट्स उसको ऑब्जर्व जो है वो कर सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के ऊपर कौन काम करता है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स। और ये करता है क्या, एनवायरनमेंट से पहले कुछ परसीव करेगा, वही सिंपल सेंस करेगा, उस सेंस को वो क्या करेगा यहां पे, व्हाट द एनवायरनमेंट इज लाइक नाउ, मतलब कि एनवायरनमेंट में इस टाइम पे क्या है, करंट स्टेट क्या है, उस करंट स्टेट को उसने पहले सेव करना है। मतलब हमने, जैसे हमारा जो माइंड है वो भी क्या करता है, किसी सिचुएशन को पहले देखेगा, जैसे उस सिचुएशन को देखा हमने उसको बहुत ही कम टाइम के लिए उस पूरे सीन को स्टोर कर लिया। ये आप ध्यान से देखना और फ्यूचर में आप इस चीज को देख, मतलब विजुलाइज करना कि यस आप भी इसी तरीके से काम करते हो। कोई भी एकदम से सिनेरियो आया, कोई भी सिचुएशन आई, पहले आप उसको एक तरह से स्टोर कर रहे हो इंटरनल मेमोरी में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लगा रहे हो मॉडल बेस्ड। मतलब यहां पे आप यूज कर रहे हो हाउ द वर्ड इवॉल्व। वर्ड इवॉल्व का मतलब है हिस्ट्री, मतलब आपने पुराना जो पास्ट है उस सारी चीजों को आपने यहां पे लगा के देखा, उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ ना कुछ क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। और व्हाट माय एक्शन डू, आपका एक्शन क्या करेगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि क्या आगे एक्शन आपने परफॉर्म करना है, मतलब व्हाट एक्शन आई शुड टेक नाउ। और यहां पे आपकी कंडीशन रूल, लेकिन ये कंडीशन रूल डायरेक्ट नहीं लगेगा कि जो आपने देखा उसके बेसिस पे कंडीशन जो है वो आपने लगा दी। सिंपल से एग्जांपल अगर मैं यहां पे दूं तो वाइमो करके जो गूगल का एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है सेल्फ ड्राइविंग कार का, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है अब वाइमो के अंडर है, और वो वेमो जो है उन्होंने ऑलरेडी एरिजोना के ऊपर बहुत सारी कार्स जो है, जो कैब्स हैं वो लगा दी हैं, सेल्फ ड्राइविंग मतलब ड्राइवर लेस कार्स हैं। और उसमें होता क्या है, उसके अंदर क्या है बेसिकली कि कंडीशन एक्शन रूल अगर हम सिंपल लगाते हैं, कंडीशन में हम क्या देंगे कि अगर मेरी कार के आगे कोई कार चल रही है, उसने रेड जो उसने मतलब ब्रेक दबाई, तो पीछे वाली लाइट जगेगी रेड वाली, और साथ के साथ हमने भी क्या करना है, अपनी ब्रेक दबा देनी है। ये तो हो गया इफ एल्स, मतलब सामने वाले ने अगर ब्रेक दबाई, रेड लाइट जगी, साथ में ही हमने रेड लाइट जगा दी। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है, क्या आप हमेशा जगाते हो, या हमेशा आप तुरंत पूरी ब्रेक लगा दोगे, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। तो यहां पे आपने तुरंत एक्शन नहीं लेना, आपने हिस्ट्री चेक करनी है कि कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि हो सकता है उसने स्पीड थोड़ी सी कम की है और आपने पूरी ही जीरो कर ली। नहीं,
ऐसे ही आपने लेन चेंज करनी है, आपको लगा कि आगे कोई ना कोई खड्डा है या कोई ना कोई रोड ब्लॉकेज है, तो आपने तुरंत एक्शन नहीं परफॉर्म करना। हो सकता है कि आपको लेफ्ट या राइट दोनों में से किस तरफ जाना है, इसको भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप अगर वाइमो करके सर्च करोगे तो आपको ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वहां पे मिल जाएगी, और आपको वहां पे पता लगेगा कि कार के ऊपर उन्होंने इतने सेंसर्स, हाई लेवल सेंसर्स लगा के वो कार जो है ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, ऑलरेडी कार जो है वो रोड के ऊपर चल रही है। लेकिन एरिजोना मतलब यूएसए में, इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया में तो पता नहीं वो कब पास होगा ये वाला इस तरीके का प्रोजेक्ट। तो यहां पे स्टोर द परसेप्ट हिस्ट्री, इस चीज को वो स्टोर करेगा, तो ऑब्वियसली उसको स्टोरेज सिस्टम भी चाहिए, और उस स्टोरेज सिस्टम के बेसिस पे वो एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। तो ये एक मॉडल बेस्ड है जिसमें आपको इफ एल्स नहीं है, मतलब तुरंत एक्शन परफॉर्म नहीं करना, पहले आपको अपने नॉलेज बेस का यूज करना है, हिस्ट्री में उस टाइप की सिचुएशन आई थी उसके बेसिस पे करना है। और अगर लेट्स से ऐसा भी हो सकता है कि हिस्ट्री में उस टाइप की सिचुएशन नहीं आई, तो फिर आप क्या करोगे, अपने नॉलेज बेस को अपडेट कर लोगे। आपको सिचुएशन जरूर थोड़ी ना, आपको लाइफ में आपने सारा कुछ देख लिया, लेकिन हर एक बंदा जब भी कोई नई चीज देखता है अपनी लाइफ में तो उसको स्टोर कर लेता है, अपने माइंड में रख लेगा, ताकि फ्यूचर में जब नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आए तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये आपको जो है वो हेल्प करेगा। तो ये एक्चुअल में मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का मेन पर्पस है, और उसी के बेसिस पे एक्चुएटर्स क्या होते हैं, जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस भी आप कह सकते हो, सिंपल रिफ्लेक्स और मॉडल बेस्ड में क्या डिफरेंस है, और मॉडल बेस्ड एक्चुअल में कैसे काम करता है। और इसके ऊपर ऑलरेडी जो मैंने वाइमो प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, और इसी तरीके से जो है बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं। थैंक यू।